हेलो गाइस, डिजाइन शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं और भी यहां पर एडवांस टूल्स को कवर अप करवाऊंगा। सो इसमें बात करेंगे इसके जो रेंडर पैरामीटर्स होते हैं एडवांस, सो उसको हम क्लियर करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। सो यस, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो इसको आप अच्छे से समझना। कोई भी डाउट आता है नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहां पर जो है आपको बेसिकली मैं रेंडर पैरामीटर्स को अच्छे से कवर अप करवाऊंगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस हैं। सो वीडियो इसी वजह से यहां पर होने वाली लंबी, क्योंकि यहां पर कुछ इतनी बड़ी सी लिस्ट है, इसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगेगा और आपको भी थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा एक दो बार देखिए वीडियो को ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके आउटपुट में बहुत ही ज्यादा फर्क आ जाएगा। सो यहाँ पर हम रेंडर पैरामीटर्स को यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर जो है सबसे पहला कि आपका जो है इंटरएक्टिविटी ऑफ होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इंटरएक्टिविटी को ऑन रखते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर्स आपके काम नहीं करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आपको इंटरएक्टिविटी को करना है ऑफ। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ सेटिंग्स होते हैं, अगर आप सीपीयू पर एंटर करते हैं तो आपको कुछ और मिलता है एंड जीपीयू पे करेंगे तो कुछ और देखने को मिलते हैं। सो हम एक एक करके इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है जो कि है क्वालिटी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान रखने हैं। वो क्या है यहाँ पर देख ले, इंटरएक्टिविटी को हम कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ एंड प्रोग्रेसिव को कर रहे हैं ऑन। अगर यहाँ पर आप प्रोग्रेसिव को ऑफ करेंगे तो कुछ और भी यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। सो यहाँ पर फिलहाल हम बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव अगर ऑन होता है तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पर मैं एक्सटेंड को कर देता हूँ ऑफ। यहाँ पर करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, वो है नॉइज लिमिट एंड टाइम लिमिट। सो ये दोनों क्या होते हैं? सो जो पहला ऑप्शन है वो होता है आपके लेवल ऑफ नॉइजी को सेट करने का तरीका। सो नॉइजी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर आप साथ में इमेज देख पा रहे हैं, ये डॉट डॉट सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं नॉइजी इमेज। सो अगर आपको इसको सही करना है सो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जितनी यहां पर हायर वैल्यू को डालेंगे उतना यहां पर नेस नॉइजी आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहां पर अगर आप इस मीटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं तो आपके पास अपने आप वैल्यू सेट होते हुए दिखेंगी। तो जैसे वेरी हाई के ऊपर मैंने किया, यहां पर नॉइजी लिमिट आ गई 0.005। अगर यहां पर मैं जीरो एक और लगा देता हूं, सो नाउ यू कैन सी कि यहां पर कस्टम लिखकर आ गया है। अगर आप कोई भी सेटिंग को अपने आप से करेंगे तो यहां पर कस्टम आ जाएगा आपके पास। उसके बाद यहां पर नॉइज लिमिट को आप समझ चुके होंगे, आप जितनी ज्यादा वैल्यू उसको डालेंगे उतना कम नॉइजी होगा। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे आपको मिल जाता है टाइम लिमिट का ऑप्शन। सो टाइम लिमिट का बहुत ईजी सा फंडा है गाइस, अगर आपको टाइम सेट करना है कि यार 5 मिनट में जितना भी रेंडर होता है अदरवाइज वो रुक जाए, तो यहां पर आप इसको सिंपली ऑन करेंगे एंड जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा आपका रेंडर जहां पर भी होगा वहां से वो स्टॉप हो जाएगा। सो यहां पर जो मेन पॉइंट है, अगर आप यहां पर प्रोग्रेसिव को ऑफ कर देते हैं तो आपको ये टाइम लिमिट वाला नहीं देखने का मिलेगा। सो इसका रीजन ये है कि प्रोग्रेसिव जो रेंडरिंग सिस्टम होता है वो हमारा पूरे रेंडर को नॉइजी से एक अच्छे लेवल तक लेकर जाता है अगर आप प्रोग्रेसिव को ऑन करते हैं। बट अगर आप इसको रेंडरिंग को ऑफ करते हैं तो आपकी जो रेंडरिंग सिस्टम यूज होती है वो है बकेट वाली। सो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट सेटिंग पर जाते हैं जिसमें मैंने इंटरएक्टिव को रखा है ऑफ एंड यहाँ पर प्रोग्रेसिव को भी मैंने कर दिया है ऑफ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉइज लिमिट, जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी आपको बताया भी। एंड उसके बाद बकेट साइज, बकेट साइज क्या होता है, आपकी जो रेंडर रीजन होती है उसकी जो डिविजन्स होती हैं, आपने नोट किया होगा बहुत छोटे छोटे से यहां पर बॉक्सेस बनकर आते होंगे रेंडर के टाइम पर। सो ये बकेट का साइज आप यहां से डाल सकते हैं, जितना आप डेप्थ के अंदर पिक्सल के अंदर जाना चाहते हैं उतनी यहां पर साइज आपको बढ़ा देना होगा गाइज। उसके बाद यहां पर नीचे आ जाता है मिनिमम सब डिविजन। सो ये क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। सो यहां पर जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो यहां पर इसकी वजह से डिसाइड होते हैं, जैसा कि यहां पर 2 हुआ है। एक और बात, यहाँ पर बहुत ही कम चांस होता है कि आपको यहाँ पर
वन या वन से ज्यादा वैल्यूज डालने की जरूरत पड़ती है। बेसिकली यहाँ पर वन से भी काम चल जाता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज हर बार यहाँ पर मिलती हैं। तो अगर आप वेरी हाई करते हैं तो यहाँ पर टू मिलता है, उसके बाद यहाँ पर जस्ट इसका डबल होना जरूरी है। लाइक यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ तो फोर सब डिविजन के अंदर आपके 16 सैंपल पर पिक्सल्स होती हैं। पिक्सल्स के बारे में आप आई थिंक जानते होंगे, हमारा जो रेजोल्यूशन डिसाइड होता है वो पिक्सल के थ्रू ही होता है। सो यहाँ पर जैसे कि आप अगर हाई के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर 1 और 18 मिलता है, एंड यहाँ पर अगर वेरी हाई के अंदर जाएंगे तो 2 और 24 मिलता है। तो यहाँ पर मिनिमम सब डिविजन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी सैंपल टेकन का काम होता है पिक्सल के अंदर वो ये काम करते हैं। सो यहाँ पर आप इसको 1 रख सकते हैं एंड यहाँ पर 24 रख सकते हैं। आप जितनी ज्यादा वैल्यूज को डालेंगे उतना ज्यादा आपका रेंडर टाइम लेगा, लेकिन आपके जो पिक्सल्स हैं वो अच्छे से फिक्स करेगा एक एक इमेज को अच्छे से एनालाइज करके। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है एक और ऑप्शन, जैसा कि यहाँ पर एंटी एलिस्टिंग फिल्टर। तो इससे पहले एक और पॉइंट है जो कि यहाँ पर अगर आप जीपीयू पर हैं और अगर यहाँ पर आप सीपीयू पर शिफ्ट होते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है, वो है शेडिंग। सो शेडिंग का यूज किस लिए होता है, शेडिंग इफेक्ट के लिए कितना रे चाहिए वो कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। सो इस जो मैंने कहा अच्छे से समझिए, शेडिंग इफेक्ट उस लिए होता है कि जितने भी कैलकुलेशन होती है रे के लिए वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। हायर वैल्यू का मतलब होता है आपका लेस टाइम लेगा एंड आपका जो है एंटी डिसाइटिंग यहां से शुरू हो जाता है। अगर आप यहां पर ज्यादा वैल्यू को डालेंगे तो आपकी जो एंटी एलिस्टिंग होती है वो यहां से फिल्टर स्टार्ट हो जाती है। सो आप इसको जो है बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पर आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो यहां पर हम इसको करते हैं जीपीयू पे एंड यहां पर जो नीचे इसके ऑप्शन है एंटी एलिस्टिंग फिल्टर, सो इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली एक वर्ड में बताऊं तो एंटी एलिस्टिंग जो होता है यूज में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। तो यहां पर मैं इसको करता हूं ऑन। तो ऑन करने के बाद अगर आप इससे रेंडर लेते हैं तो आपको ब्लर अगर करना है पूरे सोर्स इमेज को तो आप यहां से कर सकते हैं। यहां पर फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं करके कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रायंगल 10 करके रखा हुआ है। यहां पर आप सही से नोट करें तो ये ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी यहां पर ले लेंगे। सो बेसिकली होता क्या है, ये जो छोटे से आप इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं इसके ऊपर इंपैक्ट इसके थ्रू आते हैं कि आप कैसा यहां पर रेंडर के टाइम पे ब्लर को चाहते हैं। सो यहाँ पर फिलहाल में मैंने एक टेस्ट किया था जो कि ट्रायंगल के ऊपर एंड सिंस वैल्यू के ऊपर मैंने किया था। सो यहाँ पर मैं आपको डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि ये देखिए सोर्स इमेज जो था इससे पहले वीडियोस के अंदर याले मॉडल पे हमने काम किया था। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये कैसे ब्लर आ रहा है। सो यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज को डाली थी यहाँ पर मैंने सिंपली सेलेक्ट किया था ट्रायंगल को एंड जो इसकी साइज को था 10 कर दिया था, तो कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा रिजल्ट देखने को मिला गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने सेम वैल्यूज को अपने सिन 10 के अंदर डाला एंड यहाँ पर मेरे को सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइस दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। सो बेसिकली बहुत ही ज्यादा कम आपको डिफरेंस निकाल कर देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर और भी अगर आप वैल्यूज को कम डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डिफरेंस को हटाता हूँ एंड यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि जैसे कि ये 20 है एंड यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर कैसे आपका जो डिविजन है मतलब कि जो आपकी ब्राइटनेस है वो यहाँ पर डिसाइड होती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप वैल्यू को 20 डालेंगे तो आपका ज्यादा ब्लर होगा, अगर आप 10 डालेंगे तो आपका कम ब्लर होगा। सो बेसिकली इसका यूज हम नहीं करते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया। सो उसके आगे हम चलते हैं यहाँ पर जो है कलर मैपिंग। सो कलर मैपिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर भी। सो ये क्लैंप मैपिंग के अंदर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो कोई भी क्लैंपिंग लेवलिंग आपको करनी है उसके पिक्सल के अंदर इमेज के, तो यहाँ पर आप इसको टिक करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या मिलेगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका रेंडर किया था, ये है क्लैंपिंग। अगर मैंने 100 पे किया था यहाँ पर, इसको मैं सेट करता हूँ एज ए एंड इसको मैं करता हूँ एक बी पर। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड पे जो है वो आपको मिलता है क्लैंपिंग अगर आप
100 करते हैं। सो बेसिकली अगर यहाँ पर आपको क्लैंपिंग लेवल को एडजस्टमेंट करनी है सो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे एक और ऑप्शन मिलता है आपको हाईलाइट बर्निंग। सो ये आपके ये जो ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइट बर्न, ये आपके इफेक्ट करता है जो भी आपका एक्सपोजर करेक्शन होता है उसके ऊपर। सो मेरे रिकमेंडेशन से आपको ऐसा भी रेंडर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहां से जाकर आप कर सकते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिमाइजेशन का। तो ऑप्टिमाइजेशन का रोल यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। सो अडेप्टिव लाइफ, अडेप्टिव लाइट का ऑप्शन क्या होता है, जितने अगर यहाँ पर आप कम वैल्यू को डालते हैं तो आपका रेंडर फास्ट होगा लेकिन आपको नॉइजी इमेज देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा वैल्यू को डालेंगे यहाँ पर उतना ज्यादा टाइम लेगा एंड बट आपका जो है लेस नॉइजी इमेज देगा। अगर आपको नॉइज की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अभी आप इमेज में देख सकते हैं, अगर मैं ज्यादा जूम करूँ, वैसे तो मैंने 800 पिक्सल के अंदर इसको लिया था इसलिए यहाँ पर इमेज जो है मेरी फट रही है, इसके पिक्सल फट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसकी अडेप्टिव लाइट को बढ़ा देता तो यहाँ पर मेरे को लेस नॉइजी इमेज देखने को मिलती सेम इसी रेंडर आउटपुट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एक और ऑप्शन उसके नीचे मैक्सिमम ट्रेस डेप्थ। तो ये क्या होता है, जितने भी आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन होते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अगर यहाँ पर आप इसको अनेबल करते थे हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 5 वैल्यू है, सो आप इस ये कंट्रोल अपने ऊपर ले लेता है। अगर यहाँ पर आप इसको 0 कर देते हैं सो ये जो मैपिंग और मैपिंग रहता है ये अपने आप जो भी आप वैल्यू डालते हैं बाय डिफॉल्ट ये इसके ऊपर डिसाइड होता है। सो यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप इसको 5 के अराउंड रखें जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आपका लाइटिंग पोर्शन आपको ज्यादा अच्छा चाहिए तो यहाँ पर आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम रे इंटेंसिटी करके मिलता है ऑप्शन। सो रे इंटेंसिटी का काम भी सेम उसी तरह है यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आपकी सेकेंडरी रेज होती है, सेकेंडरी रेज का मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बताऊं फॉर एन एग्जांपल कि आप कोई भी लाइट को दे रहे हैं एंड वहां पर आपको बहुत ही बारीक सी लेयर्स जो कि जनरेट नहीं हो पाती, वो अगर आपको जनरेट करवानी है तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं मैक्सिमम रे इंटेंसिटी को। सो यहाँ पर ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, वैसे इसको ऑन रखें तो आपकी जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लैरिटी में देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है आपके पास जो कि है आपके पास यहाँ पर सेकेंडरी रेज वाइज। सो ये गेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपके अगर ओवरराइड फेसेस हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपने वॉल को बनाया है, यहाँ पर एक के ऊपर एक कभी कभार ओवरराइड हो जाता है एंड वहाँ पर आपको ब्लैक कुछ स्पॉट से दिखने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगर सही से नोट करें तो ये ब्लैक सा स्पॉट सा दिखने लगा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो है ओवरराइड हो सकता है। सो अगर आप इसके चांसेस को कम करना चाहते हैं तो जितना आप ज्यादा वैल्यू को डालेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर अच्छा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एम्ब्री करके एक ऑप्शन मिल जाता है। ये क्या होता है गाइस, सो एम्ब्री ऑप्शन जो होते हैं आपकी रे कास्ट करने में काफी हेल्पफुल करती है। तो मैं आपको बस इतना रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑन कर लें। सो रे के इफेक्ट को यहाँ पर आप देखना चाहते हैं अच्छे से तो इसको एम्ब्री को आप ऑन जरूर कर लें। उसके बाद कंजर्वेशन मेमोरी बहुत अच्छा टूल है यार, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं सो इससे क्या होता है आपका रैम का यूज कम हो जाता है एंड ये कंजप्शन करने का काम करता है। तो मैं कभी कभी जो काफी हैवी मॉडल होता है सो इसको यूज जरूर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। स्विचेस, सो स्विचेस के अंदर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड अगर आप सीपीयू के ऊपर जाते हैं तो एक और ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। सो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप जानते होंगे, जितने भी आप वीरे मैपिंग को यूज करते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसको आप ऑन रखेंगे तो तभी आपका जो है सारा डिस्प्लेस वैल्यूज आएगा। लाइट ऑप्शन, आप इसको ऑन रखेंगे, लाइट का ऑप्शन अगर आप डिसेबल रखते हैं सो आपका जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन, इसके नीचे ऑप्शन दिख रहा है, आने वाली अगली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर करवाऊंगा, सो इसके ऊपर चले जाता है। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो सारा इंपैक्ट ये संभालता है। ये कंट्रोल के बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। उसके बाद यहां पर आ जाता है
हिडन लाइट। सो हिडन लाइट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो अगर आप किसी लाइट को हाइड भी करते हैं तो ये यहाँ पर रेंडर करते वक्त शो कर देगा। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो जैसा आप बाय डिफॉल्ट रखते हैं मतलब कि इफेक्ट देगा लेकिन वहां पर लाइट शो नहीं होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर सीपीयू के ऊपर अगर आप रखते हैं तो शेडो के ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि शेडो कहीं पर भी जनरेट ना हो तो आप यहाँ पर सिंपली इसको कर सकते हैं ऑफ। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टूल्स को बताया। यहाँ पर अगर आप जीपीयू पर जाते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, वो है जीपीयू टेक्सचर। सो यहाँ पर जीपीयू टेक्सचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो जीपीयू टेक्सचर के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर जब आप जीपीयू पर जाएंगे। सो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट पे आपको मिलेगा रीसाइज टेक्सचर मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम तीनों को मैं बता देता हूँ। अगर आप फुल साइज टेक्सचर के ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल इमेज होती है गाइस वो आपकी रेंडर होते वक्त होगी। बट जो मैं रिकमेंड करता हूं या तो आप रिसाइज टेक्सचर को यूज करते हैं या तो आप ऑन डिमांड मैपिंग को यूज कर सकते हैं। सो ये दोनों है क्या? सो रिसाइज टेक्सचर होते हैं अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका ऑप्टिमाइज हो मतलब कि आपके जो मटेरियल्स हैं वो एडजस्ट हो हायर टू लोअर रेजोल्यूशन, आपको मतलब कि क्विक रेंडर देखना है अच्छे से देखना है, सो आप रेंडर साइज के ऊपर जा सकते हैं। ऑप्शन कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छे इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑन डिमांड मिप मैपिंग। ये क्या होता है गाइस कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। इससे क्या होता है कि जो आपका लोड है जीपीयू का वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग सारे रेंडर को आपके रेंडर आउटपुट के अकॉर्डिंग सेट करने स्टार्ट कर देता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप रिसाइज टेक्सचर को यूज करें या तो ऑन डिमांड को आप यूज कर सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर आप समझ गए होंगे नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टेक्सचर साइज का। सो टेक्सचर साइज क्या होते हैं, ये आपकी रेजोल्यूशन एंड बिट डेप्थ के ऊपर काम करता है। सो बिट डेप्थ के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है आपको। सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो टेक्सचर साइज। सो टेक्सचर साइज आपको बाई डिफॉल्ट 512 का मिलेगा यहाँ पर। तो ये होता क्या है, टेक्सचर साइज जितने आपके रेजोल्यूशन है इसके थ्रू यहाँ पर होता है। जितने ज्यादा वैल्यूज को आप डालेंगे उतना ज्यादा आपका टाइम लगेगा रेंडर होने में गाइस। सो यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम आती है फाइनल रेंडर के अंदर तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है बिट डेप्थ करके। सो बिट डेप्थ क्या होते हैं, आपको मैंने बताया था जितना ज्यादा मतलब जैसे 8, 16, 32। सो यहाँ पर आपके पास तीन मिल जाते हैं। जैसे कि आप फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर 8 बिट को सेलेक्ट रखते हैं तो ये सिर्फ 1000 कलर को ट्राई करता है, लेकिन आप अगर 16 बिट को करते हैं तो यहाँ पर उसका डबल देखने को मिलता है यानी कि 2000। वहीं अगर 32 को करेंगे तो ये 4000 कलर्स को ट्राई करेगा सिर्फ उस एक सिंगल रेंडर को करने के लिए। जितना ज्यादा यहाँ पर आप बिट डेप्थ को डालेंगे उतना ज्यादा रेंडर होने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका यहाँ पर आउटपुट अच्छे से देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने सारे इसके ऑप्शन को आपको क्लियर करवा दिया। अब बता दिए गए यार बेस्ट क्या होते हैं ऑप्शंस। अगर आपको बहुत ही अच्छा रेंडर निकालना है तो उसके लिए आपको कौन से सेटिंग को करना होगा। सो यहाँ पर सिंपली आप करेंगे जीपीयू के ऊपर क्लिक, यहाँ पर इंटरएक्टिविटी को ऑफ, प्रोग्रेसिव को भी ऑफ, वेरी हाई के अंदर आप जा सकते हैं या तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं एंटर पर क्लिक तो यहाँ पर आपका कस्टम हो जाएगा। इतना आप नॉइज लिमिट को यूज करें, बकेट को आप 32 ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका और भी डेप्थ जाए तो आप इसके वैल्यूज को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस फिल्टर को यूज करने का। उसके बाद यहाँ पर नीचे है कलर मैपिंग। सो कलर मैपिंग बेसिकली आपको मैंने सब कुछ बता दिया डिटेल में, इसको भी यूज नहीं करना है। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का काम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर लाइटिंग के इफेक्ट अगर आपको करना है तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये होती है कुछ बेस्ट सेटिंग जो कि मैंने अभी आपको बताई। यहाँ पर उसके बाद आती हैं स्विचेस के अंदर। सो स्विचेस के अंदर आपको कोई भी और इसमें नहीं करना है। अगर आप सीपीयू पर जाते हैं तो वहीं सेटिंग्स आपको एक और एडवांस देखने को मिलती है जो कि है शैडो के ऊपर। यहाँ पर फिलहाल हम रहते हैं जीपीयू के ऊपर। एंड उसके बाद जीपीयू टेक्सचर के अंदर आप चाहे तो मतलब अगर आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा है तो आप यहाँ पर 16 बिट या 32 बिट्स को यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को नीचे लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप मेरे से चैट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।